भैया जी आप गादी पर बैठ जाएंगे, जिस राज का प्रजा सुखी है उस राज का राजा भी सुखी है, जिस राज का प्रजा दुखी है उस राज का राजा भी दुखी रहा। कुशल रहेगा अच्छा, तुम्हें सोचना चाहिए मेरे पिताजी 700 मजे का मालिक ये सोनी था। सही बात। आज पीर झगड़ू 1400 कोस को मालिक बन चुका है। दुश्मन चच्चा तुमको चमेटा मारा था। सही बात। बगल चाऊड़े। सही बात भाई। उजाड़ा था। लेकिन काल झगड़ू का दुश्मन नहीं समझ पाया। सही बात भैया जी। बता देख के दुश्मन चच्चा को Ha 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 ha!
जाते मेरी को नहीं चिन्हा। आज जिस मासूम छोकरा उदला को भगाया, नारियालहा को भगाया, रानी देवल देवी ने छिप कर लेकर के भाग गई। हरे छठी जो पूजने दिया हम पूजने दिया क्यों सोचना सुना हूं मैंने। क्या सोचे हैं भैया जी? आज अभी अभी एक मेरे नेकी ने पता लगाया। अच्छा, दिल्ली में मीटिंग लगाया था मेरे ससुर पृथ्वी चौहान पतसावर हाथी को पछाड़ा, जिस छोकरा को छठी नहीं पूजने दिया था। अच्छा इतना ही नहीं, जब पतसावर हाथी को पछाड़ा तो सवा हाथ लाख का मुंडई का मेरे ससुर दिया, 9 लाख का 9 लाख हार सासू तारा ने दिया। इतना ही नहीं, आज मेरा पता चला है ओ छोकरा 12 बरस का आज सोढ़ी का ऊपर चढ़ा। भैया जी उसका फन चोर औलाद को आने दीजिए, चिंता करने का कोई बात नहीं, ये करता इंतजार सोढ़ी ये पत्थाई भैया ये सोर
करो इलायस इंतजार है। जब कहीं पता चल गया कुत्ते कमीने का भंचोर का मत टोकरा टोकरा तुम मेरा नाम काल झगड़ू नहीं आओ जिस दिन मेरे पंजा में आओगे हरे कोई ना बचाएगा मुदैया अरे कोई ना बचे भैया जी आज 1600 फौजी पलटन को तोप लेकर के तैयार कर दो। सही बात। गेट गेट पर सीआईडी को फिट कर दो। ये महाराज ता से पता 36 राउंड का गोली लोड कर लिया हम। मारना नहीं है उल्टा बात बांध कर को ले आना है। तैयार रहना भैया सुनो पलटनिया जवान रहना हो तैयार उदल ना मैं असली जोगी ना मैं नकली जोगी बिल्कुल छहा बाबा अब क्या होगा देवनंदन सबसे पहले ये बताओ हम दोनों जोगी राज बन गया असली हो या नकली हो मैं तो बिल्कुल नकली हूँ या छहा बाबा हूँ मैया दुर्गा को कृपा से उदल जोगी बन गया। घबराने की बात नहीं है। यहां गुरु कौन बनेगा चेला कौन रहेगा। अब गुरु चेला को बात आई तो तुम हमसे गुरु नहीं देवनंदन तो कौन बनेगा। यहां का गुरु मैं तुमको मानता हूं मैं गुरु बनूं वहां का गुरु मैं रहूंगा। चलो ये भी मान लिया। हाँ ये भी मैं मान लिया। दूसरी बात ये है अब दूसरी कौन सी नाम भी बदलना होगा। हाँ नाम तो बिल्कुल ही बदल तो नाम रख लो
मेरा जगमोहन और तेरा नाम देवनंदन उदल। ये तो असली नाम हुआ। हाँ, एक नकली नाम मैं भी रखूंगा। कौन सी नाम? तुम्हारा नाम रहेगा टोकना साधारण दास। अच्छा, मेरा नाम रहेगा टोकना पछारण दास। बस दूसरी बात, हिंदी बोलना छोड़ देना है। तो क्या बोलोगे? अगर जहाँ छत्री लोग रहेंगे तो हम दोनों मुगल फारसी में बात करेंगे। चलो दोस्त दे माँ को हाथ से भिक्षा लूंगा। हाँ दोस्त, अगर माँ मुझे पहचान लिया सारे दुनिया वालों पहचान लेगा। पहचान सकता है। माँ नहीं पहचानेगी कोई नहीं पहचानेगा। तुम सही कह रहे हो। आओ मेरे साथ चलो। जय सीताराम सीताराम सीताराम। और देवनंदन दोनों गए कीर्ति सागर में स्नान करने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं लोग कहां रह गया कहां नहीं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करती हूं, देखती हूं बेटा उदल और देवनंदन मेरे पास आते हैं या नहीं। अगर नहीं आया तो मैं कीर्ति सागर पर खुद में चल करके देखती हूं ये लोग आता है या नहीं। ये मैं क्या दिख रही हूं? आज मेरी मोहब्बी के अंदर एक नहीं दो दो साधु महात्मा आ गई। हाय भगवान, लगता है कि आज मेरा महल